तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 पॉपुलर कार्टून्स के बारे में। तो गाइस, आप सब कार्टून्स देखते ही होंगे, किसी को कोई कार्टून पसंद है तो किसी को कोई कार्टून पसंद है, सभी के अपने अपने फेवरेट्स कार्टून्स हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जो इंडिया के मोस्ट 5 टॉप पॉपुलर कार्टून्स हैं। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी लिस्ट में टॉप 5 नंबर पर जो कार्टून है वो है ओगी एंड द कॉकरोचेस। ये कार्टून गाइस इंडिया में बहुत ही पॉपुलर कार्टून है। जो ये कार्टून है गाइस, ये 6 सितंबर 1998 को शुरू हुआ था। जो उसका पहला एपिसोड था वो आया था 6 सितंबर 1998 को। और गाइस, आपको पता है ओगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रेंच कॉमेडी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है, जिसके अलग अलग सीजन अलग अलग कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। और गाइस, आपको पता है इस कार्टून में कोई भी वॉइस नहीं है। यस गाइस, इस कार्टून में कोई भी वॉइस नहीं है। ये एक वॉइसलेस कार्टून है जो सिर्फ एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है, जो कि अपनी एक्टिविटीज़ द्वारा लोगों को हंसाता है। बट जो इसका इंडियन वर्जन है उसमें हिंदी डायलॉग ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इसमें ओगी है जो कि मेन करेक्टर है, उसकी वॉइस शाहरुख खान से मैच करती है। और जो कि ओगी का ब्रदर है जैक, उसकी वॉइस सनी देओल से मैच करती है, जो कि एक इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। और जो बाकी करेक्टर्स हैं उनकी वॉइस भी किसी न किसी सेलिब्रिटी से मैच करती है। अब बात करते हैं गाइस कार्टून के बारे में। गाइस, इस कार्टून में बहुत से करेक्टर होते हैं, ओगी, जैक एंड कॉकरोचेस एंड बॉब, ओलिविया एंड अदर बहुत से करेक्टर्स होते हैं। तो गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका इनमें से फेवरेट करेक्टर कौन सा था। तो गाइस, अब बात करते हैं अपने फोर्थ कार्टून के बारे में, जो हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे है। जिस कार्टून के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, उस कार्टून का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बिन कार्टून के बारे में। ये कार्टून गाइज 1 जनवरी 1990 को स्टार्ट हुआ। इस कार्टून को गाइज रोवन एटकिंसन एंड रिचर्ड क्यूटेस ने मिलकर बनाया है। इस कार्टून गाइज दो पार्ट हैं, एक तो गाइज एक रियल लाइफ की तरह से दिखाया गया है, और दूसरी तरफ गाइज इसका एक एनिमेटेड सीरीज भी है जिसे आप देख सकते हैं। इस कार्टून की जो गाइज जो मेन बात है वो है इसका कैरेक्टर, जो कि गाइज बिना भी एक वर्ड कहे भी आपको हंसा देता है। यस गाइज, विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड ये आपको हंसा देता है, जो कि इस कार्टून को इतना फेमस बनाती है। इस कार्टून में मिस्टर बीन नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपने हरकतों से आपको हंसाता है विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। वो अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोलता, मतलब बोलता है गाइज थोड़ा बहुत बोलता है। अभी गाइज आप कमेंट करके मुझे ये मत बोलना कि हाँ वो बोलता है। यस गाइज, वो बोलता है पर थोड़ा बहुत बोलता है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड कार्टून की तरफ, जो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे है। और जिस कार्टून के बारे में गाइस मैं बात करने वाला हूँ, उस कार्टून को गाइस सभी लोग देखना पसंद करते हैं, बच्चे ही नहीं उसको बड़े भी देखना पसंद करते हैं। और इस कार्टून का नाम है छिनचैन। ये कार्टून एक सीरीज है जो कि योशितो योशी के द्वारा लिखी गई है, जो कि 13 अप्रैल 1992 को शुरू हुआ। इस कार्टून में क्या होता है गाइस, जो कि एक छिनचैन नाम का करेक्टर होता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है, जो अपने फैमिली और दोस्तों को परेशान करता है और आपको हंसाता है। ये कार्टून आज तक का बनाया गया मोस्ट कॉमेडी एंड फनीस्ट कार्टून माना जाता है। ये जो कार्टून है वो आपको ऐसा प्रॉमिस करता है कि आप अगर इसको देखोगे तो बिना हंसे आप रह ही नहीं सकते। आपको इस कार्टून के अंदर कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने सेकंड कार्टून की तरफ। और जिस कार्टून के बारे में गाइस मैं बात करने वाला हूँ, उस कार्टून की इंडिया में हाईएस्ट TRP है, मतलब वो कार्टून इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्टून है। मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन कार्टून के बारे में, जो कि 2 अप्रैल 1979 को शुरू हुआ था, जो कि एक जैपनीज सीरीज है। इस कार्टून की सबसे खास बात यह है, ये आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा, इसलिए इसके TRP इंडिया में बहुत हाई है। इस कार्टून में बहुत से करेक्टर होते हैं, बट इस कार्टून का जो मेन करेक्टर है वो नोबिता एंड डोरेमोन है। जो नोबिता होता है उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसके क्लासमेट्स हैं जो उसे मारते हैं, उसके टेस्ट में हमेशा बहुत कम मार्क्स आते हैं। वो इस सब का सोल्यूशन के लिए उसके पास एक रोबोटिक कैट होता है जिसका नाम डोरेमोन होता है, जो अपने गैजेट से उसकी हेल्प करता है। ये कार्टून अभी भी इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका डोरेमोन में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो गाइस, चल बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कार्टून की तरफ, जो कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर कार्टून है। जिस कार्टून के बारे में आपको बताने वाला हूँ, शायद आपके पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी उस कार्टून का नाम सुना ही होगा। क्या गाइस, आप गैस कर सकते हो वो कार्टून क्या है? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं बात कर रहा हूँ टॉम एंड जैरी कार्टून के बारे में, जो कि एक अमेरिकन कार्टून है, जो 1914 में विलियम्स हाना एंड जोसेफ बारबेरा द्वारा शुरू किया गया था। और ये कार्टून आज भी उतना ही फेमस है जितना उस समय पर यह फेमस था। इस कार्टून में सिर्फ दो ही मेन करेक्टर होते हैं, टॉम एंड जैरी, और जो बिना एक भी वर्ड कहे आप सबको हंसाते हैं। वो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जिन्हें देखकर हम हंसते हैं। और ये कार्टून आज भी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत से लोगों द्वारा ये पसंद किया जाता है, बच्चे ही नहीं बड़ों द्वारा भी पसंद किया जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में बताना आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।